जो हमारे पत्रकार साथी थे उनको अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया, उसके खिलाफ हम लोग आज अरवल में विरोध मार्च निकाले हैं। इस मार्च के माध्यम से हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे जो पत्रकार साथी की हत्या हुई है और उस हत्या में संलिप्त जो भी अपराधी है उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए और परिजनों को करोड़ों की मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के हमारे युवा साथी जो पत्रकार थे उनकी अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया है पिछले दिनों, और एक तरह से कहा जाए तो ये निर्मम हत्या है, उनको जला करके हत्या की गई है। उससे गुस्साए हम सभी लोग आज अरवल में विरोध मार्च निकाले हैं और इस विरोध मार्च के माध्यम से हम यह सरकार से मांग करते हैं कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून हम लोगों का एक बहुत लंबा मांग है उसको यथाशीघ्र लागू करवाया जाए। हमारे पत्रकार साथी जिनकी हत्या हुई है उनके जो अपराधी हैं उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल चला करके उनके हत्यारों को फांसी की सजा दिलाया जाए, उनके परिजनों को करोड़ों की मुआवजा राशि उपलब्ध कराया जाए। और जो भी हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हम साथी काम कर रहे हैं उनके साथ इस प्रकार की घटना न घटे, इसके प्रति भी सरकार ध्यान रखे। और सबसे बड़ी बात जो एक है वो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात है, उसे सरकार यथाशीघ्र लागू कराए ताकि हम पत्रकार सुरक्षित रहें और हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमको लोग जो कहते हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमेशा सुरक्षित रहे और भय के वातावरण से मुक्त हो करके हम पत्रकार लोग पत्रकारिता करें, लोगों के बीच में अपनी बातों को पहुंचा सकें। Yeah.